आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में जो है वो स्टार्ट करने चल रहे हैं। दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बेटा हम लोग दो चीजों की बात करते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम लोग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन को समझेंगे कि मोशन जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसको गवर्न करने वाले लॉज कौन कौन से हैं, यानी किसके बेसिस पर मोशन होता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि फोर्स क्या है। फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं। पुश और पुल अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम लोग पुश या पुल अप्लाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स की बेटा बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। जैसे अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, इसको हमने इधर से पुश किया, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका अपना मास एम के बराबर है, इसको हम लोगों ने इधर से पुल किया। पुल का मतलब उधर से खींचा है और इसको पीछे से हमने धक्का दिया है, ठीक। तो ये कहलाता है पुश और ये कहलाता है पुल। कई बार जब आप लोग किसी ट्रांसपेरेंट डोर को खोल रहे होते हैं, किसी दुकान का दरवाजा है जैसे ट्रांसपेरेंट है, शीशे का है, तो उसमें देखो लिखा होता है पुश पुल, लिखा होता है। अब लोग ध्यान नहीं देते हैं, लिखा है पुश तो कहो खींच लें पुल, ठीक है, और कहो लिखा हो पुल तो उस वहां पे पुश कर दें। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, पुश और पुल में डिफरेंस होता है। पुश का मतलब क्या हुआ, धक्का देना, और पुल का मतलब क्या हुआ, खींचना। तो जब लिखा हो पुश करो मतलब आपको अंदर खोलना है, लिखा है पुल करो मतलब बाहर की तरफ उसको खोलना है, ओपन करना है, क्लियर है। तो फिलहाल किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश या पुल आप अप्लाई करते हो वो एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जहां पर एम उस ऑब्जेक्ट का मास है और ए जो है दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है मोशन वाले चैप्टर में, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। एक्सेलरेशन का मतलब बेटे ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पर कुछ भी एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, इट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन क्या करता है, इट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी एक्सेलरेशन लगा, जैसे आप खड़े हो और आपको मैं धक्का लगातार दे ही रहा हूं, अगर मैं लगातार धक्का दे रहा हूं तो आपकी वेलोसिटी बोलो बढ़ती चली जाएगी। भाई मान लो आप यहां खड़े हो, मैं आपको लगातार धक्का देता ही चला जाऊं तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। या आप उधर की तरफ जा रहे हो, मैं लगातार खींचते ही चला जाऊं तो आपकी वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कराने का काम करता है। अगर एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है अगर वो निगेटिव है तो ऐसे में उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल डिक्रीज। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो आप तुरंत समझ जाएंगे वहां पर क्या लगा है, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है उसमें मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। दैट मींस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। इज इट क्लियर। किसी भी सिस्टम पर जो फोर्स लगा होता है वो फोर्स बेटा दो तरह का हो सकता है। फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम मे बी ऑफ
टू टाइप्स। सबसे पहला फोर्स हो सकता है बैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहला फोर्स कौन सा होता है? बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरी कैटेगरी फोर्स की हो सकती है अनबैलेंस्ड फोर्स। या तो जो फोर्स हमारा है वो बैलेंस्ड होगा, या तो जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगाया गया, तो 10 ही न्यूटन का फोर्स इधर भी लगाया गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। अगर इसका डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज बैलेंस फोर्स सिस्टम, तो आप कहेंगे इफ द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर नेट फोर्स जीरो है तब वो सिस्टम कैसा है? बैलेंस्ड है। लेकिन अगर एक सिस्टम यहां पर हम ऐसा बनाएं जिस पर एक तरफ, जैसे ये है, इधर की तरफ मान लो फोर्स लगा 10 न्यूटन का और इधर की तरफ हम लोगों ने फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, तो अब ये सिस्टम कैसा हो गया? नाउ दिस इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि यहां पर जो नेट फोर्स है वो इस बार जीरो के बराबर नहीं है। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। इज इट क्लियर? जरा भी इसमें डाउट हो तो बताइए। अगर मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे दो हाथ हैं, इधर दो बच्चे आ जाएं, एक ये आ जाए मान लो और एक ये आ गए, दो लोग आ गए, ठीक, ये उधर से खींच रहे हैं वो उधर से खींच रहे हैं, तो मैं कैसा सिस्टम हूं, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि ये जो दो बच्चे हैं दोनों की खींचने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। किसी के अंदर हो सकता है ज्यादा पावर हो, किसी के अंदर कम पावर हो। एक हो सकता है इधर 10 से खींचे, एक हो सकता है 9 से खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा? इधर की तरफ। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों, हाँ, टग ऑफ वॉर जैसा होता है कि दोनों तरफ की टीम अगर इक्वली पावरफुल है तो वहां पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। दैट विल बी अ बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। लेकिन अगर एक तरफ कोई मजबूत आदमी है, खली वली टाइप का आदमी है, और एक तरफ इनके जैसे सारे बच्चे मान लो हैं, ये है हो गए, ये हो गए, ये सब बच्चे जैसे ढेर सारे हैं, और इधर खली है, तो भाई साहब ऑब्वियस है यार, खली तो खली है, फिर तो खींच लेगा, रस्सी तो रस्सी तुमको सबको खींच लेगा। बोलो यार, तो वो सिस्टम कैसा होगा? दैट विल बी अनबैलेंस सिस्टम। इज इट क्लियर? अब बेटे अगली बात करते हैं कि सर ठीक है, ये तो समझ में आया, लॉज ऑफ मोशन फिर क्या है? व्हाट आर लॉज ऑफ मोशन? तो बेटा मोशन को गवर्न करने वाले जो लॉज हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन। किसने दिया था लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन साहब ने। इट वॉज गिवन बाई न्यूटन साहब। ये अपना न्यूटन साहब कहीं पर बैठे थे, कहां बैठे थे? पेड़ के नीचे। सबको पता होगा सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, इनकी खोपड़ी पे सेब गिरा, जब गिरा तो इनका दिमाग चला कि यार भाई साहब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर का ही नहीं चला जा रहा है। उनके दिमाग की बत्ती जली होगी। जब उनके दिमाग की बत्ती जली तो उन्होंने सोचा कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिरता है वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, आखिर ऊपर क्यों नहीं चला जाता? तो ये सब सोच करके उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बेसिकली सर्च किया था, और फिर वहीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूटन के मोशन के लॉज निकाले। दैट वॉज गिवन बाई न्यूटन साहब। ठीक, तो न्यूटन ने बेटा तीन नियम दिए, थ्री लॉज ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला जो नियम इन्होंने दिया दैट इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद मोशन का जो फर्स्ट लॉ है इसको बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो ये वर्ड है इसको हिंदी में कहा जाता है जड़त्व। क्या बोलते हैं?
जड़त्व, हिंदी में जड़त्व का मतलब हो गया आलस। ये तो एक टिपिकल वर्ड हो गया। अब आपको आसान वाला वर्ड मैं बता रहा हूं, उसका मतलब है आलस्य। आलस जो हम लोग के अंदर होता है, ये हम लोग की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। कोई भी इंसान है तो आलसी जरूर होगा, क्योंकि ये उसको ऊपर वाले ने दिया है। बोलो यार, ये प्रॉपर्टी आपके अंदर बाई डिफॉल्ट है, और हम सब आलसी होते हैं, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम। भाई हम भी यही चाहते, जैसे बच्चे इस समय देखो छुट्टियां करा लिए, पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे? ड्यू टू आलस। घर में क्या कर रहे हैं बताओ? अगर आप अपने घर में जैसे बैठे हो, सुबह से लेके शाम तक का अगर आप एक रिपोर्ट तैयार करो कि आखिर पूरे दिन में आपने कौन सा प्रोडक्टिव काम किया, कुछ नहीं। रील्स पलटने के अलावा क्या किया हमने? ऐसे चलाते रहो इंस्टाग्राम, ऐसे करते रहो, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बीता चला जाता, भाई साहब पता ही नहीं चलता, आंखें थक जाती है तो आदमी सो जाता है, फिर उठा फिर पलटना शुरू, थोड़ा मोड़ा गेम खेल लिया, बाहर चले गए क्रिकेट खेल लिया, खेल के चले आए। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? 0। प्रोडक्टिविटी वो होती है अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए उठा हुआ एक एक कदम, प्रोडक्टिव कदम होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर आपका सपना था, जो डे वन हम लोगों ने बात किया था, अगर आपका सपना है आईएएस बनना, आपका सपना है एक टॉप क्लास इंजीनियर बनना, एक टॉप क्लास डॉक्टर बनना, तो वो बनने के लिए तुमने क्या किया? या मान लो किसी का सपना है, सर मैं डांसर बनना चाहता हूं, डांसर बनने के लिए तुमने आज क्या किया? दैट इज प्रोडक्टिविटी। अगर कुछ किया है तो टिक मारो, नहीं किया तो क्रॉस। तो जब आप देखेंगे तो पूरे महीने में पता चला 30 दिन में केवल 4 से 5 ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप अपने सपनों के लिए कुछ करते हैं, बाकी दिन ऐसे ही चला जाता है। कुछ सोचो, आईएएस अगर आपको बनना है तो आईएएस बनने के लिए आज के दिन तुमने क्या किया? कुछ किया आज के दिन? नहीं किया। अब जब आप यहां पढ़ने आते हो तो आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो। हम कह रहे हैं यहां पे अगर आप 1.5-2 घंटा बैठे हो तो सर्टेनली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो सामने बंदा पढ़ा रहा है आपसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक? चाहे हम हो, चाहे केमिस्ट्री वाले सर, मैथ्स वाले सर, बायोलॉजी वाली मैम, सभी आप लोगों से तो ज्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि अभी आप छोटे हम लोग बड़े हैं, इतना तो डिफरेंस है ही है। तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल जाएगा, कुछ ना कुछ नई चीजें आप सीख जाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे बेटा आलस की। तो आलस जो होता है वो हम लोगों की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्जेक्ट भी आलसी होता है। जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट अपने आप मूव, और अगर अपने आप मूव कर रहा है मतलब भाई साहब भूत प्रेत है कुछ। मूवीज में दिखाते हैं ना अपने आप, वो ऐसे चेयर हिल रही है, तो वो अपने आप तभी हो सकता है जब वहां पर कोई ना कोई हिडन कुछ है, एनर्जी है कोई ऐसी जो दिख नहीं रही है बट है, तो वो तो फिल्मी बात हो गई। तो यहां न्यूटन साहब ने ये कहा कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया में बेटे ये बोला, इन्होंने कहा एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विल कॉन्टिन्यू, एनी ऑब्जेक्ट विल कॉन्टिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो न्यूटन साहब ने अपना पहला नियम क्या बताया? एनी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। इसका हिंदी में मतलब समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन में बना रहेगा या अपने यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में बना रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। मतलब अगर ये टेबल ऐसे रखी है
तो ये ऐसे ही अगले 2 साल 4 साल 10 साल 100 साल रखी रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई पुश या पुल, जब तक मैं नहीं लगाऊंगा तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां 2 conditions की बेटे बात किया गया, पहला था रेस्ट और दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन। आप सबको ये बात पता है मोशन के 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बेटा इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो स्पीड कितनी है? 0। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को एक लात मारो तो काफी दूर तक ऐसे चलती चली जाती है। क्यों चलती चली जा रही है? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। किस चीज का इनर्शिया है? मोशन का। इट हैज इनर्शिया ऑफ मोशन। और वो बॉल क्योंकि चलती चली जा रही है तो वो रुकना नहीं चाहती। लेकिन बॉल रुक क्यों रही है? क्योंकि अर्थ का फ्रिक्शन है। अगर अर्थ का फ्रिक्शन ना हो तो वो बॉल कभी भी रुकेगी नहीं, वो चलती चली जाएगी। जैसे कोई छोटा बच्चा, किसी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व अगर आप करोगे ध्यान से तो वो छोटा बच्चा आपको नेचर के सारे लॉज सिखा देगा। क्योंकि फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को किसने बनाया? ऊपर वाले ने। और जो छोटा बच्चा होता है उसको भी सारी चीजें सिखाने वाला कौन है? वो छोटा बच्चा अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, अपने आप खाता है, मिट्टी खाना देखो सारे बच्चे सीख जाते हैं, सिखाना नहीं पड़ता किसी को। बोलो यार, अब अगर वो मिट्टी खा रहा है तो वो क्या चाहता है? कि हमको खाते रहने दो, हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो। तो एनी बॉडी नेवर वॉन्ट्स टू बी डिस्टर्ब्ड। कोई ऑब्जेक्ट अपने किसी भी काम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में भी हम यही कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर ना लगा दे। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। कुछ बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। क्लियर? इनर्शिया जो होता है बेटा, इनर्शिया 3 तरह का होता है। हाँ, कह सकते हो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अंडरस्टूड है? ठीक। फिलहाल जो ये जो वर्ड इनर्शिया है बेटा, वो इनर्शिया 3 तरह का हो सकता है। इनर्शिया के कितने टाइप्स हो सकते हैं? 3। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, ये उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, ये उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, किसी भी तरह के चेंज पसंद नहीं करता। समझ में आया? ये न्यूटन साहब का सबसे पहला नियम है जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कोई पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया तो क्या बताएंगे? एनी बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। एनी डाउट? पक्का है? दूसरा है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है भाई, इसमें तो ये बताया गया जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक। सेकेंड लॉ कहता है, उसका नाम है लॉ ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है इसको बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी है? मूविंग ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास क्या होता है? मोमेंटम। ठीक। तो मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू
वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाई उसकी वेलोसिटी कहलाता है मोमेंटम। कुछ समझ में आया? सो मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इजीली आप बना के लिख सकते हैं, मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, ये उसका लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो लोगों ने कहा ठीक है सर, अगर हम फोर्स लगा दें तो? तो उन्होंने कहा अब आ जाओ सेकेंड लॉ में, जिसका नाम है लॉ ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ मोमेंटम ये कहता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उन्होंने कहा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, पी का मतलब हो गया मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा का मतलब चेंज, टी का मतलब टाइम, सो चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। तो उन्होंने ये बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। सो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम बेटा? क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ, उन्होंने कहा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कुछ समझ में आया? द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते चले जाओगे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा। क्लियर है? अब ये जो लॉ है इस लॉ को थोड़ा सा डिटेल में ले चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लॉ क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लगता है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो बोलो कॉन्स्टेंट आता है, सो दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आई? सही है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा के। और मोमेंटम का बेटे फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? मास इंटू, भाई मोमेंटम क्या चीज होती है? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब मोमेंटम की जगह एम वी लिख सकते हैं। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा मतलब चेंज। अब आप बताओ क्या किसी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज होता है? नहीं। तो मास किधर आएगा? बाहर। तो मास को आप कर देंगे बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। भाई जो चीज चेंज होने वाली केवल उसी को अंदर रखो, जो चेंज नहीं होगा उसको अंदर रख के क्या फायदा? तो उसको हमने क्या कर दिया? बाहर। अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यहां पर जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को
चेंज कराने का काम करता है। और अगर इसके फॉर्मूले को देखा जाए तो ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। कोई डाउट? एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो बेटा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पर वो के टाइम्स एम ए के बराबर हो जाएगा। ए क्या है? एक्सेलरेशन। बट वी नो दैट प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ के इज वन। प्रैक्टिकली के की वैल्यू कितनी है? वन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? एम ए के बराबर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आज एफ बराबर एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? न्यूटन्स। तो दिस इज एक्चुअली रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कोई आपसे कहे न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या होता है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये लॉ है। ठीक। लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकला? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। कुछ समझ में आया? पक्की बात है? 100%। कितने लोगों को 100% समझ में आ गया? कितना? पी का मतलब होता है बेटा मोमेंटम। पी का मतलब मोमेंटम। तीसरा नियम न्यूटन साहब ने बताया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। थर्ड को क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। ये बड़ा आसान बड़ा प्यारा सा लॉ है। इसमें यह बोला गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। कर्म करना क्या है? एक्शन। फल मिलना क्या है? रिएक्शन। तो आप अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 100% है कि अच्छा आएगा। नहीं कर रहे हैं तो यह भी 100% क्लियर है कि आप बंटाधार होने वाला है। तो ये न्यूटन साहब का कौन सा नियम है? थर्ड लॉ है। तो ये न्यूटन का भी नियम है और ये कृष्ण भगवान का भी नियम है, क्योंकि गीता किसने बताया था? श्री कृष्ण भगवान ने। हाँ, ऑब्वियस है। जो हमारा हिंदू धर्म का कल्चर है वो बहुत पुराना है, करोड़ों साल। बाकी ये न्यूटन आइंस्टीन ये लोग तो अभी 200-400-500 साल पहले आए थे। कृष्ण भगवान तो करोड़ों साल पहले गए हैं। बात समझ में आई? तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं।